You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है सिग्नल इन सिस्टम की, उसका ये तीसरा टेस्ट है और आज हम तीसरा टेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक पे है। आप देखिए, हम हर बार बोलते हैं, जितने भी टेस्ट हमने बनाए हुए हैं उनमें हमने बताया है कि हम जब भी टेस्ट बनाते हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर उनका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देते हैं। तो आप 2-3 दिन वेट किया कीजिए और इनके सॉल्यूशन कहीं से भी ढूंढ के और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना चेक कीजिए कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है पढ़ाई का। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं टेस्ट में ही। पहला क्वेश्चन हमारा जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम में, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। पहला क्वेश्चन है, सिस्टम एच एस इज इक्वल टू 1/(s+1, s-1, s+2) इज, एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है सिस्टम का और पूछा है कि इज कॉजल एंड स्टेबल, नॉन कॉजल एंड स्टेबल, नॉन कॉजल एंड अनस्टेबल, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। आपसे पूछा गया है कि कॉजल स्टेबल है ये सिस्टम, नॉन कॉजल स्टेबल है, या नॉन कॉजल अनस्टेबल है, या फिर बी और सी दोनों आंसर सही हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी ऑफ द सिग्नल एक्सटी इज, एक्सटी एक सिग्नल है जिसका आरओसी आपको दिया हुआ है रियल एस ग्रेटर देन 2। पूछा है देन आरओसी ऑफ एक्स टू टी प्लस 3 विल बी, तो एक्स ऑफ टी का अगर आरओसी रियल एस ग्रेटर देन 2 है तो एक्स ऑफ टू टी प्लस 3 का आरओसी क्या होगा। ऑप्शन ए है रियल एस ग्रेटर देन 2, बी है रियल एस ग्रेटर देन 1, सी है रियल एस ग्रेटर देन -2, और डी है रियल एस ग्रेटर देन 3। आपको इसमें आरओसी बताना है कि आरओसी जो है एक्स ऑफ टू टी प्लस 3 का क्या होगा आरओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कॉजल सिस्टम एच एस इज इक्वल टू 1/(s+1, s-1, s+4) इज। ध्यान रखना, यहाँ पहले से ही बता दिया है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो सिस्टम है, वो ऑलरेडी कॉजल है और आपसे पूछा है कि इज स्टेबल, दूसरा पूछा है अनस्टेबल, दूसरा ऑप्शन है अनस्टेबल, पहला है स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल, और सी है मे बी स्टेबल और अनस्टेबल, और डी है, डी बोल रहा है सिस्टम कांट बी कॉजल, मतलब जो क्वेश्चन में आपने बोला है कॉजल सिस्टम दैट इज रॉन्ग। डी ऑप्शन बोल रहा है कि सिस्टम कॉजल हो ही नहीं सकता है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, द फ्रीक्वेंसी एट विच साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो विल बी। देखिए, इसमें पूछा है कि एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है जो कि कितना है, एच एस इज इक्वल टू s²+4, s+1, s-6, ये जो लिखा हुआ है ना, ये s-6 है, और डिवाइडेड बाई s³+4, s+2, s+3, ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा है। इसमें पूछा है कि इस फंक्शन का रिस्पॉन्स जीरो किस फ्रिक्वेंसी पर होगा। द फ्रिक्वेंसी एट विच रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो विल बी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर इस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, जीरो है। तो आंसर है, ऑप्शन है 2, 1, 6 और 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। आपका यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड में आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सिग्नल आरओसी ऑफ द सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू, लिखा हुआ है (t e to the power 3t u of -t)। ये देखिए टी है, यहां ध्यान रखना है (t e to the power 3t u of -t) और प्लस (e to the power -2t ut) और प्लस (e to the power -2.5) और ये मॉड ऑफ टी है, ध्यान रखना ये जो लिखा हुआ है ये मॉड ऑफ टी है। और पूछा है कि इसका आरओसी जो है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है -2 से 3 के बीच में, दूसरा ऑप्शन है -2.5 से 2.5 प्लस 2.5 के बीच में, तीसरा है -2 से +2.5 के बीच में, और चौथा है -2.5 से 3 के बीच में। आरओसी आपको पता करना है कि इसका आरओसी क्या होगा इस सिग्नल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा छठवां क्वेश्चन है कि इफ एक्स टी, यहां पे दिया हुआ है कि इफ एक्स एस इज लाप्लास ऑफ एक्स टी, ये जो सिंबल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स टी का लाप्लास क्या है, एक्स ऑफ एस है, देन लाप्लास ऑफ एक्स ऑफ 2 - 3t, x of 2 - 3t का लाप्लास क्या होगा। मतलब आपको दिया गया है कि x t का लाप्लास x of s है, तो x of 2 - 3t का लाप्लास आपको बताना है। और आंसर है आपके ऑप्शंस है -1/3,
एक्स ऑफ माइनस एस बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस टू एस बाई थ्री, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है 1/3 एक्स ऑफ माइनस एस बाई थ्री, ये ध्यान रखना ये माइनस है, तो 1/3 एक्स ऑफ माइनस एस बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस टू एस बाई थ्री। सी ऑप्शन है 1/3 एक्स ऑफ एस बाई थ्री टू एस और ई टू दी पावर टू एस बाई थ्री, इसमें सारे पॉजिटिव हैं। और डी ऑप्शन है 1/3 एक्स ऑफ माइनस एस बाई थ्री और ई टू दी पावर माइनस टू एस, आपको बताना है कि इसका लाप्लास क्या होगा, एक्स ऑफ टू माइनस थ्री टी का लाप्लास क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सातवां क्वेश्चन हमारा कि फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है किसी सिग्नल एक्स टी का, उसकी आपको फाइनल वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है तो टाइम डोमेन में जो सिग्नल होगा ना हमारा एक्स ऑफ टी, उस एक्स ऑफ टी की फाइनल वैल्यू पूछी है यहाँ, ध्यान रखना लाप्लास डोमेन में नहीं पूछी जाती। फाइनल और इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब टी टेंस टू जीरो पे और फाइनल का मतलब टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपको एक्स टी की वैल्यू पूछी है टी टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ फाइनल वैल्यू बताना है। ऑप्शन है 0, 1/4 इनफाइनाइट, और एक ऑप्शन है एनी वैल्यू, और ये जो ई बना हुआ है ना ये इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ, मतलब बिटवीन -1 to 1, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, मतलब -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है और इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये सातवां क्वेश्चन का ऑप्शन है। तो सातवां क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट क्वेश्चन है कि अगर एक्स ऑफ एस एक्स टी का लाप्लास है, इफ एक्स ऑफ एस इज द लाप्लास ऑफ एक्स टी एंड, साथ ही साथ आपको गिवन है एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s-1 और एस प्लस 1, और एक और चीज आपको गिवन है यहाँ पे देखिए ये आरओसी गिवन है, रियल एस बिटवीन -1 to 1, -1 से बड़ा है रियल एस और लेस देन 1, मतलब आरओसी कहां से कहां तक है -1 से 1। देन एक्स ऑफ 0 प्लस की वैल्यू आपको पूछी है, टाइम ये देखिए स्मॉल एक्स बना है मतलब टाइम डोमेन वाले एक्स की वैल्यू पूछी है, 0 प्लस पे टाइम डोमेन वाले एक्स की वैल्यू 0 प्लस पे पूछी है। ऑप्शन है हमारे 0, 1, 1/2 एंड -1/2, ये हमारे ऑप्शन है। नौवां क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नाइन्थ क्वेश्चन है इफ एक्स टी इज अ कॉजल सिस्टम एंड एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s-1 s+1, बोल दिया है उन्होंने कि अगर एक्स टी एक कॉजल सिस्टम है जिसका की ट्रांसफर फंक्शन है, जिसका की लाप्लास डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। देखिए जरूरी नहीं है कि हम ट्रांसफर फंक्शन को हमेशा एच से रिप्रेजेंट करें, एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एच से ही हम रिप्रेजेंट करें ट्रांसफर फंक्शन को। तो यहाँ गिवन है 1/s-1 s+1, तो पूछा है देन एक्स ऑफ 0 प्लस, ये अगेन देखिए ये जो एक्स है ये टाइम डोमेन वाला एक्स है, ये लाप्लास डोमेन वाला एक्स नहीं है, तो टाइम डोमेन वाले एक्स में 0 प्लस यानी कि टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे वैल्यू पूछा है और ऑप्शन वही है 0, 1, 1/2 एंड -1/2। दसवां क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट का बोलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2t ut -e2−2t u(-t) इज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है। पहला ऑप्शन है 2s/s²-4, दूसरा ऑप्शन है 4/, ये जो लिखा हुआ है ना ये लिखा है एस स्क्वायर, तो 4/s²-4, 4/s²-4 है ये, ध्यान रखना 4/s²-4। सी ऑप्शन है -2s/s²-4, ये भी एस स्क्वायर है तो -2s/s²-4, और डी ऑप्शन है डजंट एग्जिस्ट, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इन चार में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। अब आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहें, और ध्यान रखना है कि जितने वीडियो भी हमारे सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं या टेस्ट सीरीज के आ रहे हैं या प्रोजेक्ट वर्क के जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं उनको प्लेलिस्ट से देखिए। आप रैंडम वीडियो देखते हो फिर कमेंट करते हो कि हमें इसके और भी वीडियो चाहिए, तो आप कहाँ से सर्च करोगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट की जो है बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट अलग हैं, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट अलग हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे जब विजिट करोगे तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की अलग आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, आपको उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मतलब आप एक सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो उसके सारे वीडियो ऑर्डर में मिल जाएंगे आपको। आप अगर
एक टॉपिक चाहते हो तो उस टॉपिक की भी प्लेलिस्ट, जैसे लाप्लास की चाहिए तो लाप्लास की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें ऑर्डर में वीडियो रहेंगे, तो आपको ऑर्डर में वीडियो देखना है, रैंडम वीडियो नहीं देखना है। वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।